नमस्कार, द वंदे भारत में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर के बिष्णुपुर में 3 से 4 युवकों द्वारा एक वैन में आग लगाने की घटना के बाद राज्य में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि वैन को फूंकने वाले युवक एक विशेष समुदाय के थे, जिसके बाद से पूरे राज्य में सांप्रदायिक स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इसके अलावा प्रशासन ने चूरा, चंदनपुर और विष्णुपुर में अगले 2 महीनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि शनिवार दोपहर 3:35 पजोगच्छो इखई अवांग लेकलाई के एक जलती हुई वैन मिली। इस वैन को कथित तौर पर 3-4 युवकों ने आग लगा दी। वे युवक एक विशेष समुदाय से आते हैं। इसके बाद से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काने के लिए तरह तरह के मैसेज वायरल होने लगे। इसके बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया। वहीं लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।